मेरे चैनल में खुश आमदीद। ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कोई गम ना दे, खुशियां ही खुशियां दे। जिस तरह उसकी ज़ात रहमान और रहीम है, उसी तरह वो अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। आज बात करेंगे कि जी बड़े ख़ास इवेंट हैं, उनमें 17 जनवरी का इवेंट आ रहा है, जिसमें सितारा जोहल जो है वो बुर्ज दलों में दाखिल हो रहा है, यानी कि सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है। इस खास मौके को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि इसको आपने सिर्फ साइंटिफिक बुनियादों पर देखना है। जो भी करना है, हतमी जो फैसला होता है वो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो अपने इल्म से जानता है कि हमने क्या करना है। इंसान अपने अफ़ाल में कितना जो है वो खुद मुख्तार है और कितना नहीं है, वो हमारा मौजू यहाँ पर नहीं है। मसला कज़ा व कदर हमारा मौजू नहीं है, हम सिर्फ साइंटिफिक बुनियाद पर आपको बताते हैं। मेरी हर बात से आपका मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ साइंटिफिक बुनियादों पर देखा करें। मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बताने लगा हूँ जो बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मैं जितना एक्सप्लेन करता हूँ शायद ही कोई करता हो, और जितना मैं आपके हाथों बेइज्जत होता हूँ शायद ही कोई होता हो, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ। अब ये जो 17 जनवरी 2023 को है, ये ट्रांजिट है, इसमें 6 सितारे बहुत तरक्की करने वाले हैं और 6 जो है वो गरूब देखेंगे, यानी कि उन पर थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा आएंगे। होता क्या, आपने इसको बड़ी साइंटिफिकली समझना है। आसमान पर जो बड़े बड़े सितारे हैं ना, उनको नाम दिए गए, किसी को जोहल, किसी को प्लूटो, किसी को मरीख, कुछ भी। ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ये ज़मीन के गिर्द नहीं घूम रहे, ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। और इनके रास्ते में जो है ना, वो सितारों के झुरमट आते हैं, जिन्हें बुर्ज कहते हैं। हम क्या कहते हैं? बुर्ज। सितारे एक मखसूस सा जो झुरमट बनाते हैं उसको हम बुर्ज कहते हैं, उसको जायजा या हॉरोस्कोप जो भी कहते हैं। आसमान को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया, और हर तकसीम के अंदर एक जो बुर्ज है, यानी कि एक जो सितारों का झुरमट है, उसको बुर्ज का नाम दिया गया। बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि हमारे ज़ोडियक साइन बनते कैसे हैं, बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि ये है क्या। अब वो जी मैं एरिस हूँ, मैं पाइसिस हूँ, ये एरिस है क्या, ये पाइसिस है क्या, ये सितारों के झुरमट है जिनको नाम दिए गए, ठीक है। और इसी तरह अब देखें ये हो क्या रहा है, अब मैं आपको समझाता हूँ बड़ा आसान करके। हो ऐसे रहा है कि सितारों का एक झुरमट है जिसको दल या दलो या एक्वेरियस का नाम दिया गया। अब ये हमने फर्ज कर लिया है कि आसमान पे ये वाला है, ठीक है जी, ये वाला इसका एरिया है। आसमान को हमने 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हमने कहा ये वाला इसका एरिया है। अब ट्रैवल करता हुआ जोहल वहां से गुजरेगा। अब वहां से सब गुजरेंगे, लेकिन वहां से जोहल जो है वो गुजरेगा उसमें से। अब उसमें कितना अरसा वो रहेगा, इस एक के अंदर वो 2.5 साल रहता है इस एरिया को क्रॉस, क्योंकि बहुत सुस्त है, बहुत स्लो है, चलता 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 2.5 साल रहता है पूरे आसमान को, क्योंकि 12 बुर्ज में तकसीम किया है। अब वापस जब उसने इसमें आना है तो उसने 30 साल लगा देने, समझ रहे। अब उसका वो रूलिंग लॉर्ड है बेसिकली एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का, इसलिए वो आता ही ऐसे है। अब वो आया अपने रूलिंग लॉर्ड में 30 साल बाद, तो 30 साल बाद जो है बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिख। और ये हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, पहले मैं आपको बता दूं वेद एस्ट्रोलॉजी है, हिंदू है, इसको लॉर्ड ऑफ कर्मा एंड जस्टिस कहते हैं। जब ये वाले ट्रांजिट होते हैं ना, इसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ कर्मा एंड जस्टिस, कि आपके लिए कर्मा भी लेके आएगा और कुछ के लिए जस्टिस भी लेके आएगा, यानी कि कुछ के लिए कर्मा यानी कि कर्म, और कुछ के लिए जस्टिस यानी कि इंसाफ। और इंसाफ का मतलब यह है कि आपको हार्श टाइम देगा, बताएगा कि पुत्र जो गलतियां की थी ना उन पुकत, समझ रहे। मैंने आपको बता दिया इसकी बनती किससे है, वीनस और मरकरी। जब इसी एरिया में वीनस और मरकरी भी ट्रेवल करते हुए आ जाएंगे, देखिए हर कोई अपने ही मिदार में हरकत कर रहा है, हर कोई अपने ही मिदार में हरकत कर रहा है, लेकिन जो एक बुर्ज मैंने बना दिया, ये मैंने जो एरिया बना दिया है, अब जोहल हरकत करते हुए आ गया, अब ये 2.5 साल रहेगा। अब जो तेज तरीन है, ठीक है, मुश्तरी, वो तेज तरीन है, वो भी आ जाएगा, कभी कभी मरकरी भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। होता क्या, अब ये 2.5 साल के लिए है, तो 2.5 साल आपके फैसलों पे असर डालेगा, अगर अच्छे फैसले हैं तो उन पे भी, और अगर बुरे फैसले हैं तो उन पे भी। किसी के लिए ये शनि लेके आएगा, किसी के लिए सारसती, शनि 2.5 और शनि सारसती, ये 2 लफ्ज आपको सुनने को बहुत मिलेंगे। अब क्योंकि ये 2.5 साल है, 2.5 है, तो जैसे जोजा वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनका 2.5 खत्म हो रहा है, और पाइसिस वालों के लिए बहुत बुरा है क्योंकि उनका 2.5 शुरू हो रहा है, ठीक है। 2.5 साल का अरसा
और 60 सती होते ही 7.5 साल है। तो अब हम मैं बड़े तफसील के साथ आपको इसके हर सितारे पे इसके असरात के बारे में बताने लगा हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। एरिस वाले 10वां और 11वां जो है ये उसमें रहेगा, आपका जो हाउस ऑफ 10th और 11th है, लेकिन 11वां जो है ना उसमें ये प्लेस करेगा। और जब ये उसमें आएगा तो ये अब आपके लिए क्या क्या लेकर आएगा, क्योंकि अब मैं पहले बात कर लगा उन 6 के जिनके लिए ये अच्छा लाएगा। उसमें सबसे पहले एरिज है, आपके लिए ये बहुत अच्छा सामान लेकर आ रहा है। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप अब्रॉड जा सकते हैं। उसके बाद अगर जो पीआर के लिए एप्लीकेशन देना चाह रहे थे या ऑस्ट्रेलियन जो अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग उनको मालूम होगा, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जॉब आपको बहुत अच्छी मिल सकती है इस टाइम में, प्रमोशंस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। 17 जनवरी 2023 के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा वक्त है। बिजनेस में आप अगर न्यू वेंचर्स देख रहे हैं तो तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पेंडिंग पेमेंट्स थी कोई आपकी, आपके कर्जे थे या आपकी कोई ऐसी रकम थी जो डूबी हुई थी, तो वो भी आपको मिलने का इम्कान है। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अगर अब रकम ना दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह भी आपको मैंने बताई हुई है दूसरी वीडियो में। आप अगर लोगों को उधार देने से रुक जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अपनी मनी को सेव करें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप में लव के हैं या आपके शादीशुदा लोग हैं, शरीके हयात है या अभी पार्टनर्स है या लव के मैटर्स है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो अब जो है ना थोड़े से आपसे डिमांडिंग है। बुरे भी हो सकते हैं लेकिन इतने बुरे नहीं है आपके लिए, क्योंकि इस वक्त ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए अच्छी है, आपके लिए फ़ायदे लेके आ रही है। इसमें अगर आपने अप्लाई करना था बाहर जाने के लिए तो ज़रूर करें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जॉब चेंज करना, देखिए इस वक्त जॉब चेंज करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। एरिस ख़वातीन के लिए बता दूँ जी, इस वक्त अगर आप कमाना चाह रही हैं तो ऑनलाइन ऑनलाइन कोडिंग चल रही है, ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग चल रही है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग चल रही है, छोटे छोटे काम अगर आपको आते हैं ना, कुछ भी नहीं आता जी, वॉइस ओवर चल रहा है। लोग आजकल कह रहे हैं कि जी आप अपने दुख दर्द हमें सुनाएं, हम इसके बदले आपको चार्ज करेंगे, और लोग ऐसे कर रहे हैं। बड़ी मजे की बात है, आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन आपके दुखों का मदावा, यानी कि अगर आपको कोई तकलीफ परेशानी है आप हमसे बात करें, हम आपकी बात सुनेंगे। ऐसी सर्विसेज भी दी जा रही हैं, तो आप अगर ख्वातीन इस तरफ आना चाहें तो मार्केट उनके लिए खुली हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस वक्त ऑनलाइन है, कल का पता नहीं, आज इनको अवेल कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद हम बात करते हैं टॉरसियन की, टॉरस वालों, बुर्ज सोल वालों की बात करते हैं जी। 9th और 10th में आपके ये 10वें खाने में है, एरिस के 11वें में था, आपके 10वें में है। आपको बताते चले कि 17 जनवरी को जो ये आपकी ट्रांजिट है ना, बेसिकली जो कि आप देख रहे हैं कि जोहल साहब जो है वो टहलते टहलते जो है वो बुर्ज दल में आ रहे हैं, आपके लिए भी खुशियां लेके आ रहे हैं। आप वो दूसरा सितारा है जिसके लिए ये खुशियां लेके आ रहे हैं। बाय लग्जरी आइटम्स, अगर आप बाय करना चाहते हैं, कार्स वगैरह आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है। उसके बाद प्राइवेट जॉब पीपल जो है उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रेस हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर ले। मैं बता रहा हूँ बार बार कि रिसेशन है, जॉब चेंज करना आसान नहीं है। उस वक्त चेंज करनी है जिस वक्त आपके हाथ में ऑलरेडी जॉब हो, और आपके पास ये चांस हैं कि आपके पास जॉब होगी, आपको इस अपॉर्चुनिटीज़ में बल्कि 2-3 होंगी, आपको ये डिसाइड करना होगा मैं कौन सी लूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। बिजनेस कस्टमर इंक्रीज, न्यू डील्स, आप अगर कस्टमर को लाने के लिए, आपका मार्केटिंग से ताल्लुक है, आप कस्टमर को इंगेज करने के लिए, कस्टमर को लाने के लिए काम करते हैं, तो आप न्यू डील्स उनके लिए बना सकते हैं। बड़ा अच्छा मौका है, सीज़न बड़ा अच्छा है, मार्च तक आपके पास टाइम है, आप ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप, मूव फॉरवर्ड इनटू मैरिज, आपके जो लव के रिलेशनशिप है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। कुछ लोग जो आपको बड़े पसंद आए थे 6 साल के शुरू में या 22 के एंड में, और आपको ये लग रहा था कि ये दोस्ती है, ये दोस्ती अब मोहब्बत की तरफ बढ़ती जा रही है, बड़ी जल्दी परवान चढ़ने वाली है, और इसका नतीजा जो है वो आपकी कामयाबियों की सूरत में निकलेगा। ठीक है, और इस वक्त जो है ना आप, वैसे तो मैं मना करता हूँ लग्जरी आइटम बाय करने से, लेकिन ऐसे लग्जरी आइटम जो मुस्तकबिल में
आपके एसेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो आप लाजमी बाय करें। खवातीन के बारे में लाजमी मैं बताता हूँ ताकि वो उनको भी पता हो कि क्या करना है। इस वक्त आप मार्केटिंग, एफिलेटेड मार्केटिंग से अगर मुंसलिक हो जाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें आपने ये टाइम्स वालों के साथ नहीं मुंसलिक होना, रोज़ वालों के साथ नहीं मुंसलिक होना। ये मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल कंटेंट की, ओरिजिनल जो कंपनीज हैं जैसे अमेजोन वगैरह, जैसे दराज वगैरह, इनकी एफिलेटेड मार्केटिंग करें, या जो बड़ी और कोई कंपनी है उनकी एफिलेटेड मार्केटिंग। अभी तो बहुत सी कंपनी ई कॉमर्स की आ गई हैं जो कि एफिलेशन दे रही हैं, नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप उनकी मार्केटिंग करें घर बैठकर, तो ख्वातीन बहुत अच्छा कमा सकती हैं। 2023 है ही इंटरनेट का साल, है ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का साल, क्योंकि 30 साल पूरे होने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नए कसब, नए हिसाब किताब आ रहे हैं, तो मैं आपको पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे बताऊं। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं जी, सबसे अच्छा जो इस वक्त ये जा रहा है वो है जोजा। जेमिनीज आपके लिए सबसे, अगर इस वक्त ये जो जोहल की ट्रांजिट है दल में, वो अगर किसी के लिए बेनिफिशियल, किसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी तो वो है आप। इस अपॉर्चुनिटी से आपने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। ढाई साल ऑफ लास्ट ढाइया फिनिश, ढाइया के आखिरी ढाई साल थे भाई, 60-70 के वो हो गए ख़त्म 7 जनवरी को। अब अगर कोई सितारा सबसे ऊपर फलिश करे, क्योंकि आपके अंदर दो बंदों की खसूसियात है, आप दो बंदों के काम कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज बड़ी थी, लेकिन वो 7.5 साल 60-70 सुन के उसने आपको पकड़ा हुआ था। इंसान की मौत जिस्मानी नहीं होती, जहनी मौत पहले होती है, जब आप हार मान लेते हैं। आपने हार मान ली, आपने कहा जी हमारा तो 60-70 चल रही है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जोजा, जिन्होंने कहा जी 60-70 चल रही है, हम क्या कर सकते हैं, जो काम करेंगे वो उल्टा हो जाएगा, जो काम करेंगे वो उल्टा हो जाएगा, और फिर ऐसा ही होता है, जो काम उल्टा आप कहते हैं वो फिर उल्टा ही हो जाता है। मैंने कई दफ़ा पॉइजन वाली कहानी सुनाई है कि अमेरिका में एक शख्स को जब फांसी देने लगे तो उसको कहा कि हम तुझे सांप से डसाएंगे, उसकी आंखें बांधी, उसे सुई चुभोई, वो मर गया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके जिस्म से सांप का जहर निकला। ठीक है, ये बातें मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड में अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं इमिग्रेशन के लिए, आपके लिए सबके लिए चांसेस खुले हुए हैं। लाइफ की हर मुहिम में इस वक्त आप कामयाब हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देख रहे थे, ख़ास तौर पर जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे थे, उनके लिए कि अब आपके पास चांसेस आने वाले हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, जॉब, लव लाइफ सब आपका बेहतर होने वाला है। ख़ास तौर पर लव लाइफ जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। वो लोग जिनको आप दोस्त समझ रहे थे, अब थोड़ा सा अगर आप एक कदम आगे बढ़कर उनको शरीक हयात बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इतना अच्छा मौका, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास खड़ी हुई है। कारोबार नया शुरू करना चाह रहे थे या पुराने कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, शराकतदारी देखना चाह रहे थे, बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे, तो सब कुछ आने वाला है। दोस्त यार, अरबाब इख्तियार, अरबाब जो बाहर रहते हैं, रिश्तेदार, बहन भाई, बुज़ुर्ग, कहीं से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बार बार लोग पूछते हैं तो 2.5 साल का अरसा होता है, ये 2.5 साल रहेगा, तो ये जो ट्रांजिट है ना, ये 2.5 साल आपको और 30 साल फिर अगले आपके फैसलों पर असरअंदाज होगी। इसलिए कोई भी फैसला करते हुए बड़ा सोच समझ कर आपने करना है। खास तौर पे जोजा वालों से, सर बहुत बुरा टाइम देखे आपने 7.5 साल, अब आप थोड़ा सा होश के नाखून लें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, बाहर निकलें, फतह आपके मंतजर है, आए और उसको फतह कर लें। बिल्कुल ऐसे तैयार बैठी हुई है, दुल्हन की तरह रेडी बैठी हुई है, आओ तो मैंने ले जाओ तो जाना है मैं सिर्फ सजना दे नाल, समझ गए ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं लियो वालों की। लियो वालों, ये आपके 7वें 8वें घर में बैठा होता है, 8वें घर के अंदर प्लेस होगा, तो ये लेकर आपके लिए क्या आएगा, आपके लिए भी ढेरों खुशियां लेके आ रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ, आप चौथा वो सितारा है, चौथा वो बुर्ज है। अच्छा, बुर्ज सितारों का झुरमट है इसलिए उसको बुर्ज ही कहेंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो इनमें नजूम के माहिर है ना, जिन्होंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं और कुछ भी आपका क्लियर नहीं किया, आपका भाई मौजूद है क्लियर करने के लिए। बुर्ज अलहदा चीज़ है, स्यारा अलहदा चीज़ है, आपने इनको समझना है। जोहल स्यारा जो है बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्लों में दाखिल हो रहा है। ठीक है, बुर्ज क्या है, सितारों का झुरमट लेके क्या आ रहा है जी, मैरिज एंड पर्सनल लाइफ गोइंग अप। अगर आप शादी का मंसूबा बना रहे थे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, चाहे वो लव मैरिज थी, चाहे वो अरेंज मैरिज थी।
अब आप कामयाब होने वाले हैं, एक कदम आगे बढ़े और पा लें। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, शरीक हयात के साथ जो थोड़ी बहुत रंजिशें लड़ाइयाँ चल रही थी वो ख़त्म होने वाली है। शरीक हयात कहेगी तू ही तू, तू ही तू, तू ही सतरंगी रे, समझ गए ना, मौसम भी ठंडे है ना। अच्छा जी, लॉन्ग फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग गोइंग फिनिश, मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है ना, ये ख़त्म होने वाली हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, गुड टाइम फॉर यू जी, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप कहीं दाखिला लेने का सोच रहे थे, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेने का सोच रहे थे, आप बाहर के मुल्क अप्लाई करना चाह रहे थे, घर वालों को तेल देना चाह रहे थे कि जी वो खर्चा करे 30-40 लाख रुपये आपको बाहर भेजे, खुद तो आपने कमा के जोड़ा नहीं है, तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्रूटफुल टाइम फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आप ज़रूर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अगर सैटर्न जो है यानी कि जोहल आपके नताल चार्ट में था तो ये पीपल जो थे, अगर वो रियल स्टेट में हैं तो इस वक्त उनके पास एक ऐसी ट्रांजेक्शन आने वाली है जो कि उनको कम से कम लखपति तो बना देगी, और लखपति में भी मिलियनेयर बनने का इरादा, मिलियनेयर समझते ना, 10 लाख तक की ये ट्रांजेक्शन आपको फ़ायदा दे सकती है, इतना अच्छा टाइम आपके पास आने वाला है। मैं बार बार बता रहा हूँ, लियो वालो असद शेरो, मैं तो दस रहा जी, मिलियनेयर होना लियो एक ट्रांजेक्शन की मार है, तो भरा नहीं भुलना, ठीक है जी। मैंने भी याद रखा करो ना, 20% हुमस कटिया करो तो सदात का हिस्सा बढ़ता है, ये भी याद रखा करो, ये भी दीनी फ्राइज ना आपके काम आएंगे, ठीक है जी। आप जितने हैं ना वो मुझे मैसेज डालेगा, भाई जान हम आपको ज़रूर देंगे, तो देना तो उसी मंचवानी भी नहीं, लेकिन चले कोई नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे, आपके बच्चे खाएं, आपके वालदैन खाएं, आपके शरीक हयात खुश हो आपसे, मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है ना, आपके खुशियों में मैं खुश हूँ, ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उसके बाद जी हम बात करते हैं लिब्रा, हाँ जी लिब्रा वालों, चौथे और पांचवें घर में ये प्लेस होता है, पांचवें घर के अंदर इसने जाके बैठ जाना है। अब ये आप पांचवा बुर्ज है, पांचवा सितारों का वो झुरमट है जिसको इसने फायदा देना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, सितारों का जो झुरमट होता है ना उसको बुर्ज कहते हैं, उसके अंदर जब ये सियारे गुजरते हैं ना तो फिर वो क्या असर लेकर आते हैं, हम उस पर बात करें। आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि बुर्ज और सियारे में क्या फ़र्क है। बुर्ज आपका जो है ना वो सितारों का झुरमट होता है, एक सितारों का झुरमट मिलके एक बुर्ज बनाता है, और उसके अंदर जब ये सियारे मूव करते हैं ना, गुजरते हैं उसके अंदर से, आसमान को अपने 1200 में तकसीम किया बुर्ज में, और ये सियारे वहाँ पर से जब गुजरते हैं तो वो क्या असर लेकर आते हैं, ठीक है जी। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, क्रैक न्यू डील्स, न्यू डील्स को क्रैक करें जी, आप इसमें माहिर हैं, आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है। दुनिया किस तरफ जा रही है आपने देखना है, 30 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, दुनिया के कमाने के तरीके तब्दील हो चुके हैं, डिग्री से ज़्यादा जो है ना वो स्किल्स बेस्ड दुनिया हो चुकी है। लिब्रा ख्वातीन है या लिब्रा आदमी है, दोनों के लिए। लिब्रा ख्वातीन कंप्यूटर में आजकल, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं, तो बहनों ज़रूर लें, फ्री लांसिंग में बहुत ज़्यादा उनका तजस्स है, ज़रूर करें। एडोब के किसी भी सॉफ्टवेयर को कर ले, एडोब फोटोशॉप कर ले, एडोब कर ले, कोरल ड्रा कर ले, कुछ भी कर ले, आपके लिए इस वक्त ये बहुत ज़्यादा है। कंटेंट राइटिंग करना चाह रही हैं मेरी बहनें, तो बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आप अगर बाहर के मुल्क में अप्लाई करना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद क्रिएटिव पीपल जो है, उन खासतौर पर जो फाइन आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर अपनी एग्जीबिशन लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें। रोडों के ऊपर आप बैठ के लोगों के स्केच बनाना चाहते हैं, बना लें। पैसे की, किस्मत की देवी इस वक्त कर्मा आपका अरूज पे है, मेहरबान है, और आपने बहुत कुछ पा लेना है। पा लिया है तुझको मैंने, मांग लिया है रब से मैंने, और क्या मांगूं। बिजनेस पार्टनरशिप, अच्छा मैं सोच रहा हूँ गाया करूँ, अच्छा मेरी आवाज़ लोग कहते हैं, इस पर भी आपने सजेशन देनी है। आगे बड़ा दिल टूटा हुआ है तो दिल करता है कि कुछ गाया जाए, है ना, और टूटे दिल से वैसे ही बड़ी अच्छी आवाज़ें निकलती हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के। बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप विद किड्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, और एक अच्छा मौका जो है, मैं जो प्यार हुआ था इकरार हुआ था, हाय प्यार, ऐसे है ना, अच्छी आवाज है, चले बड़ा। बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहे, रिलेशनशिप विद किड्स कर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहे तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपके लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपके लिए, और कैरियर गेन्स आपके लिए आ रहे हैं, इससे अच्छा मौका आपके लिए और कोई नहीं है।
एक दफ़ा फिर इस मौके से फ़ायदा उठा लें, चाहे लिब्रा ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, जब सितारे अरूज पे होते हैं ना तो काम हो जाते हैं, बस हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद सजिटेरियस वालों की बात करते हैं कि जी दूसरे और तीसरे खाने में आपके हाउस में होता है, तीसरे में ये आता है, तीसरे में प्लेस करेगा, और जो थर्ड में है ना वो ज़रा हाउस ऑफ एफर्ट्स का है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए। अब थोड़ी सी शनि ख़त्म होने शुरू हो गई है, आप आखिरी हैं जिन्होंने अरूज देखना है, छठे आप वो बुर्ज हैं जिन्होंने जोहल सितारे की ढाई साल की हिकमत अमले को देखना है। ढाई साल इसने आपके खाने में रहा है तो क्या लेकर आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी का हर मैदान में कामयाबी के लिए आपको अब एफर्ट करनी पड़ेगी। वो जो पीरियड था ना हनीमून पीरियड, वो खत्म हो गया, अब आपको करनी पड़ेगी एफर्ट। ठीक है, मुंह खुश्क हो जाता है जितनी लंबी वीडियो बना के और रात के स्पैर खड़े होकर। ठीक है जी, योर इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल में इंक्रीज, आपकी जो रूहानी थी ना बुलंदी वो अब आप छूने लगे हैं, रूहानियत की तरफ आपका बड़ा मूड हो गया। मौसम, इमाम अली फरमाते हैं दिलों के मौसम होते हैं, तो जब दिल का मौसम होना इबादत का तो फिर खुल के इबादत करो, तो जब ना होना तो फिर फ़राइज़ की अदायगी करो, फ़राइज़ से छूट नहीं है। अब अगर आपका मौसम बना हुआ है ना दिल का, तो आप यकीनन काम करें, फ़ायदा होगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट जर्नी रिलेटेड टू वर्क वुड बी फ्रूटफुल। ठीक है जी, आपको जो सफ़र करना पड़ेगा, जो सफ़र वसीला ज़फ़र है, चाहे आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ा, ये अब आपको फ़ायदा देगा। आपकी इस वक्त जो जर्नी आ रही है, जो सफ़र आ रहा है ढाई साल के अंदर, ये बहुत आपको फ्रूटफुल होगा, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं चाहे बिजनेस के लिए। वैसे बिजनेस के लिए अगर आप सफ़र करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। गुड टाइम फॉर पीपल इन्वॉल्व इन बिजनेस, जो बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रमोशन जॉब्स में होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। स्टूडेंट जो बरूने मुल्क में बार बार कह रहा हूँ अप्लाई करना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम है। जो ख़वातीन है, ख़वातीन को बताते चलो जी, आप जो ख़वातीन है ना उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके लिए क्या होगा। आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग, तो आपने ऑनलाइन अर्निंग जो है ना उसको नहीं छोड़ना, वो आपके लिए बिल्कुल तैयार है, आपने उस पे ज़रा फोकस करें। ख़वातीन थोड़ा सा घर बैठ के काम कर सकती हैं अपने मोबाइल से, एफिलेटेड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पाकिस्तान में, बहुत सी वेबसाइट आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो करें। नहीं समझ आती एफिलेटेड मार्केटिंग पे तो मेरे से पूछें, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक अच्छा टाइम आपके पास आ रहा है। जॉब चेंज करना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है डिप्रेशन और रिसेशन की वजह से, लेकिन आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होंगी कि आपको उनमें से फैसला करना होगा। ये नहीं है कि मैं जॉब छोड़ दूँगा तो अगले दो महीने में कहाँ से खाऊँगा। इस वक्त आपकी सिचुएशन उससे डिफरेंट है और ये डिफरेंट सिचुएशन आपको देगी फ़ायदा। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद बात करते हैं जी हम अब जो अगले जो छः हैं ना जिनके लिए ये थोड़ा सा हार्ड लेके आ रहा है टाइम, उनमें पहला है कैंसर। कैंसरियन ढाइया आपका स्टार्ट होने वाला है, 2.5 वाला जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब ये जो है ये आपके आठवें घर में आके बैठ जाएगा, वहाँ से ये स्टार्ट लेगा। ठीक हो गया, अब आपको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है। जो भी हुआ है ना फतह तो आप ही की होनी है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, आपने अब घबराना नहीं है। ठीक है, अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि आपने अब घबराना नहीं है। उसके बाद जॉब्स में भी आपको वर्कलोड और प्रेशर महसूस होगा, मैरिज लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं, तो आपने थोड़ा सा उनको भी अवॉइड करना है। थोड़ा सा खामोशी अख्तियार करें, अल्लाह सब्र करने और शुक्र करने वालों के साथ है। आपने अब क्या करना है, सब्र और शुक्र करना है। कैंसरियंस सब्र और शुक्र के साथ चले, दिन फिरते टाइम नहीं लगते, ढाई साल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ढाइया बेशक स्टार्ट हुआ है, 7.5 साल ये रहेगा। मैं इस पर आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा कि खालिक व मालिक के हाथ में हर चीज़ है, सजदा ज़ेर हो जाए उसके आगे, फिर देखें क्या होता है। उसके आगे सजदा करके देखें, यकीन करें आप मान जाएंगे कि बस तू ही तू। ठीक है जी, ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ, मैं आपकी हिम्मत नहीं बांध रहा, आपके अंदर जो गट्स हैं वो आपको मैं शो करा रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये बताया ही नहीं जाता कि यार तुम कितने काबिल हो। हमारे यहाँ कहा जाता है तुसी फारग हो, ये तुहाडा मुंडा फारग है। दुनिया में कोई भी शख्स फारग नहीं है, हर शख्स यूनिक है, स्पेशल है। जाए अपने जैसा कोई बंदा ढूंढ के लाए, जो मिल गया तो मैंने लाजमी दसना
है कोई आप जैसा बंदा, पूरी दुनिया 6 अरब इंसान है, ढूंढ के देखें आप जैसा बंदा कोई नहीं, आप जैसी बंदी कोई नहीं। खुद को पहचानो यार, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने आपको बेमकसद पैदा कर दिया, आपका मकसद ही कोई ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद बात करते हैं जी वर्गों वालों की, कि वर्गों वालों जी हूँ तुम तैयार हो जाओ, पाँचवें और छठे खाने में ये बैठेगा जोहल, छठा जो है उसमें ये इसकी ट्रांजिट होगी, ट्रांजिट विद गिव मिक्स रिजल्ट। ठीक है जी, ये ट्रांजिट आपको मिक्स रिजल्ट देगी। अब मिक्स रिजल्ट क्या है जी, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे, डाइया शाइया ये सार सत्य क्षति आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, आपका वैसे ही कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप बड़े क्रिएटिव किस्म के लोग हैं, वर्गों को मैंने बड़ा स्टडी किया, बड़े क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं और इनकी जो क्रिएटिविटी है ना वो इनको बचाई रखती है। जैसे रेस्टोरेंट की फील्ड पे कितना जवाल आया लेकिन ये फिर भी सर्वाइव कर गए। आप देखें पिछले 2-2.5 साल कोविड की वजह से कितना जवाल आया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे, लेकिन उसके अंदर जो शेफ थे, उसके अंदर जो पेस्ट्री शेफ थे, उसके अंदर जो बावर्ची थे, वो फिर भी सर्वाइव कर गया। आज भी 50-50 हज़ार रुपया वो ले रहे हैं, मिनिमम 50-50 हज़ार रुपया वो ले रहे हैं, लाख 2-2 लाख 3-3 लाख उनकी सैलरीज है। वो सर्वाइव क्यों कर गए, उनका आर्ट आपका, वो वर्गों वाले थे। मैंने मोस्टली देखा जी शेफ्स के ऊपर, मैंने रिसर्च किया, कोई 500 का मैंने डाटा निकाला था, तो तकरीबन 60% जो थे वो वर्गों थे। तो आप सर्वाइव कर जाएंगे मार्केट में, आप पहले 2 लाख लेते थे, अब 1 लाख ले लेंगे, लेकिन आपका स्किल तो है ना, वो आपको मरने नहीं देता। ठीक है जी, स्टडीज़ में थोड़ा हार्ड टाइम आएगा, अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम में बैठना चाह रहे थे, मैं आपको मना नहीं करूँगा कि जी बड़ा मुश्किल टाइम है, मैं आपसे कहूँगा कि चुनौती लेना ही जिंदगी है, यहाँ पे ही आपने अपने आप को साबित करना है, हार्ड वर्क करना है। पहले 6 घंटे पढ़ते थे, अब 12 घंटे पढ़े, अब किड़ा काम है जेड़ा नहीं हो सकता। खासतौर पर बहनों से गुजारिश है, वो कौन सा काम है बहनों जो हो नहीं सकता, और फिर बहनें और कर ना सकें। खवातीन ने तो इस्लाम को आगे चलाया, आप देख लें बड़ा किरदार है खवातीन का, जनाब खतीजा से लेके आगे तक इस्लाम पे दौलत लुटा दिया उन्होंने अपने। क्या थी, एंटरप्रेन्योर थी वो, ये आप समझे, बिजनेस वुमेन थी वो, अरब में उस वक्त की मलकतुल अरब कहलाती थी वो, और फिर उन्होंने अपने लिए जो शोहर चुना, सुभान अल्लाह। ठीक है जी, उसके बाद जी जॉब तो मिलती रहेगी, लेकिन आपने जब तक नई जॉब नहीं मिल जानी, पुरानी नहीं छोड़नी, ये मेरी बात आप याद रखें। जब तक नई नहीं मिल जाती, पुरानी नहीं छोड़नी, और कोशिश ये करनी है कि नई में भी जाके देखना है कि वो सूटेबल है कि नहीं, तब तक पुरानी को नहीं बताना। 7 दिन की बीमारी का लै लो सर्टिफिकेट ले कर चले जाओ, सर जी मैं नहीं आ रहा बीमार है, तो उधर जाके चेक कर ले जॉब इस काबिल है भी कि नहीं। हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब आप स्ट्रेस लेंगे, ओ यार मेरा डाइया शुरू हो गया, अब आप स्ट्रेस लेंगे, ओ यार मेरा पता नहीं क्या बैड टाइम शुरू हो गया। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस मेदे ख़राब कर देते हैं, गुर्दे फारिग कर देते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना। बैड पीरियड है बिज़नेस के लिए जी, आप अगर एक्सपेंशन करना चाह रहे थे तो वो ठीक नहीं है। हाँ, सिर्फ ये याद रखिएगा, सबके लिए बुरा नहीं है, वो लोग जिनकी इनकम बाहर से आती है, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुंसलिक है, अरबाब बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भेजते हैं, या वो बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें या दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करें, उनको मार नहीं है। थोड़ा सा वर्क हार्ड हो जाएगा लेकिन आपको मार नहीं है। ठीक है जी, वो आपको देगा। रिलेशनशिप में आप सफ़र करेंगे, ब्रेकअप्स के बहुत से चांसेस हैं, बढ़ गए हैं, लेकिन वो अहले खाना की वजह से होंगे, मतलब घरेलू, मतलब बहनों की अगर आप सुन रहे हैं या आप माँ की सुन रहे हैं। ये ख़वातीन के जो कानों से फ़ोन नहीं उतरता ना, इससे मुझे बड़ा एतराज़ है। माएँ रोज़ सुबह फ़ोन करके पूछती हैं पुत्र कल 10 दिन किस तरह गुजरा है, फिर वो सास की सुनाती हैं, फिर वो नंद की सुनाती हैं, फिर वो सारी कहानी सुनाती हैं, सास और नंद भी वो कहानी सुन लेती हैं कि माँ के साथ लगी हुई है, और सुबह का आगाज़ ही बुरा हो जाता है। माँ सुबह 8 बजे जो है ना तियाँ काल मिलाती है, वह बच्चे स्कूल चले गए थे तू की कर रही हैं, उसके बाद 1 घंटा बुराइयाँ और गिबतें, और वो आसपास सारे सुन रहे होते हैं लोग। देखिए जब आपके लोग मुखालिफ है ना, तो वो फिर कान लगाई रखते हैं और फिर आपके लिए मसले क्रिएट होते हैं। थोड़ा सा उनको अवॉइड करें ना जी, ये काम ना किया करें ना, ठीक है जी। इसलिए और आपने कर्जा शर्जा तो देना नहीं है, ज़रा उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आप मेरी बात वर्गों वाले समझ गए होंगे, ख़ासतौर पर ख़वातीन से मैं मुखातिब था। मेरी वीडियोज़ जो है ना वो पैगाम भी होती हैं, अगर आप इसको समझें तो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मेरा जो नया चैनल है उसके ऊपर मैंने आपको कई दफ़ा बताया, एडबी अकेडमी टीवी, वहां पर रब्ता किया करें, मैं आपको आपके सवालों के जवाब वहाँ पर देता हूँ। खुश रहे जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की जी। स्कॉर्पियंस
रेडी हो जाए, थोड़ा बुरा टाइम है आपके ऊपर, आप वो मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा सितारा जिनके ऊपर ये बुरा टाइम है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, यू आर द बेस्ट, आप हमेशा बेस्ट रहते हैं। देखिए बुरा टाइम से मुराद देते हैं आप जरा वर्क ज़्यादा कर देना, कम्फर्ट जोन छोड़ देनी है, बुरे वक्त से ये मुराद नहीं है कि तुम मर गए थे बढ़ गए, ये नहीं है, इससे मुराद सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा कम्फर्ट जोन से निकलें, अब अपने काम को ज़रा बढ़ा दें, अपनी मेहनत को ज़रा बढ़ा दें, पीस इन लाइफ जो है वो उड़ जाएगी। कैंसर विल बी एंटरिंग देयर ढाई 2.5 ईयर्स, आपके बुर्ज में ना वो कैंसर साहब ढाई साल का ढाइया लेके आ रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं है, आपने कहना है कि जी आ जा आने वाले आ जा, ठीक है जी। जिंदगी में लाइफ में आपके पीस नहीं है, सुकून नहीं है, ट्रबल है, वर्क प्लेस पर प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू ने सर उठा लिया है, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कि बेसिकली आपने किराए की मद में दी हुई थी या आपकी विरासती जायदाद थी, अब लोग हिस्सा मांग रहे हैं। बड़े सब्र शुक्र से चले, किसी का हक मारना भी नहीं चाहिए, अगर किसी का हक है तो उसको दे दें, ठीक है। डोंट स्विच जॉब जब तक कि आगे आपके पास जॉब नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा रिसेशन का टाइम है, आपके पास आगे जॉब नहीं है तो अपनी जॉब से स्विच नहीं करना, क्योंकि हो सकता है फिर अगले 6 महीने आपको जॉब ना मिले तो फिर आप खाएंगे कहाँ से, ठीक है। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा तो किया, कोशिश आपने करनी है, रिस्क का वादा तो परिंदों से भी है ना, सुबह निकलते हैं और शाम को वो तवक्कल पर वापस आ जाते हैं, बस इतनी खुराक ले आते हैं जितनी बच्चों को चाहिए, लेकिन हमने तो बिल देने होते हैं ना, उन्हें बिल कोई नहीं देने, ये कहानी मुझे लोग बहुत सुनाते हैं परिंदों वाली, लेकिन उन्होंने बिल नहीं देने होते ना, बच्चों की फीसें दूध के खर्चे नहीं होते उनके, साढ़े होंगे ने। बहरहाल स्टूडेंट के लिए हार्ड टाइम है जी, अपनी एफर्ट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपका दिल जो है ना वो पढ़ाई से उठा हुआ है, मौसम चेंज होने वाला है और आपका दिल पढ़ाई से उठ गया, और पढ़ाई से उठने की वजह जो है वो फाइनेंशियल हार्डशिप है, तो सर बाइकें चलाएं कोई इशू नहीं है, मेहनत करें अल्लाह ताला देगा, ठीक है ना जी। बिजनेस जो है ना उनके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे और लॉसेस भी हो सकते हैं, कोई आग लग सकती है बिजनेस में, पार्टनर धोखा करके जा सकता है, ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आपको देखनी पड़ेंगी, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप जब मुश्किलात से कह रहे हैं कि मेरा खुदा बड़ा है, बहुत बड़ा है, तुमसे इतना बड़ा है तुम सोच भी नहीं सकते, तो उसी तो पानी देख कतरा हो, मेरा खुदा तो रहमान और रहीम है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ी सी एफर्ट से, देखिए जितना बड़ा इम्तहान होता ना उतनी बड़ी कुर्बानी होती है। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करें, 2 घंटे सजदा ज़ेर हो जाए, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ हमारे लोग नमाज सही नहीं पढ़ते, अल्लाह से जिक्र सही नहीं करते, दुआ सही नहीं मांगते, मांग के देखें 15-20 मिनट ज़रा मसले पे लगाएं ना मगरबैन या इशा के बाद, ना सुनी ना रब ने मेरा ना तो फिर बदल के ना कोई नवा रख देना, ठीक है, करें खुदा से अपना ताल्लुक मजबूत, फिर देखें दुनिया में, देखें जी रिस्क की तलाश से पहले ना राजिक को ढूंढें, राजिक राजी होगा रिस्क खुद आएगा। फैमिली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगी, वो बहनों की ना सुने, मियां बीवी खुद बैठ के अपने फैसले किया करें, इधर वो बहनों की सुन रही है, उधर वो माओं की सुन रही है, इधर आपके लिए मसला है, उधर उसके लिए मसला है, दोनों बैठ के अपने मसलों को खुद हल करो, तो मेहरबानी जी मेहरबानी करो, बच्चे आते खास तौर पर ना दोनों बैठ के अपने फैसले करें तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। उसके बाद जी कैप्रिकॉर्न्स जी दूसरे हाउस में आपके चढ़ के आके बैठ गए हैं सरकार हरी, अब आपने करना क्या है, आप वो चौथे हैं जिनको थोड़ा सा मुश्किल टाइम देखना है, 17 जनवरी 2023 के बाद 2.5 साल आपके फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए जनाब जोहल साहब की तशरीफ़ आवरी आपके बुर्ज में होगी, ठीक है जी। फैमिली बिजनेस में आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस था या किसी से पैसे लेके कर रहे थे, बहन भाइयों की शराकत थी, बेनोई के साथ शराकत थी, तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए या तो पार्टनरशिप्स को ख़त्म कर दें, इस वक्त आपके लिए अच्छा ढाइया लगा हुआ है, तो आप पार्टनरशिप्स को या तो ख़त्म कर दें या महदूद कर दें, और कोशिश करें कि खुद पे एतमाद करें और कारोबार में खुद को टाइम दें, जो गिले हो रहे हैं कि जी आप नहीं आते, वो गिला दूर करें और 6 से 8 घंटे आप भी देना शुरू करें टाइम, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक हल हो जाएंगे। विरासती जायदाद के मामला सर उठा सकते हैं कि बड़े भाईजान आपने तो अब्बा जी के मरने के बाद सब कुछ संभाल लिया है, मेहरबानी करो उन सारे नो हिस्सा दो, तो दे हिस्सा, खासतौर पे बहनों का हिस्सा मत रोके, रिस्क हलाल की बजाय हराम हो जाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी स्टूडेंट को, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे खुश हो चाहे नाराज हो, आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। कंपेटिटिव एग्जाम में खासतौर पर अगर आप 4 घंटे पढ़ते थे तो 12 घंटे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, आप कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर मुल्क जाना है तो थोड़ा सा ठहर जाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे भी सेटलमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इमिग्रेशन जो कराना चाह रहे हैं उनके लिए भी है
कि अगर आप पीआर कार्ड देख रहे थे थोड़ा सा ठहर जाए, और अगर अप्लाई किया हुआ तो डिले हो सकता है, रिजल्ट आपकी फेवर में निकलेगा लेकिन कब, हज़ार सजदों से जो देता है आदमी को निजात, एक सजदा जिसे तू ग्राह समझता है हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात, कुछ ऐसे ही शेर था, तो वो एक सजदा करे, आलम मदहोशी में एक सजदा करे, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं, कुछ इस तरह था आलम मदहोशी में, वो वाला आप एक काम करें, ये जो दिल से होता है ना वो वाली दुआ करें, बैठ के 15-20 मिनट मगरबैन के बाद या फजर से पहले ईशा अपना तहज्जुद के टाइम, देखिए कैसे रंग लगाता है रब की ज़ात। तहज्जुद गुजार को अल्लाह ताला कभी भी मायूस नहीं करता, जब मायूसियाँ बहुत घेर लें, परेशानियाँ बहुत घेर लें, कोई रास्ता नजर ना आ रहा ना, तहज्जुद गुजार बन जाए, आप यकीन माने ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, दुश्मन की ऐसी ऐसी ज़ुबान बंदी हो जाती है, आप हैरान रह जाते हैं, हासदीन पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जिसका फिर रकीब अल्लाह हो जाए ना उसको फिर किसी की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है ना जी। तो आपने खामोशी खामोशी और खामोशी अख्तियार करनी है, चेंजिंग जॉब नहीं करनी, आपने इन्वेस्टमेंट्स करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना है, कोई भी लग्जरी आइटम ख़रीदते हुए तो आपने चार दफ़ा सोचना है, थाना कचहरी नहीं करनी, बुज़ुर्गों के साथ मशावरत करके मसलों को हल करने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं जी एक्वेरियस की, दल वालों जिस असल ट्रांजिट ही आपकी है, कहानी आपसे शुरू हुई है, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, वो इस तरह था, पता नहीं मैं लिब्रा में क्या सुना रहा था बरात। अच्छा जी सेकंड प्लेस ऑफ सार सत्ती, सेकंड फेज शुरू हो गया जी, टेंशन किस बात की है, ढाई निकाल दिए हैं, ढाई गुजारने हैं, अगर ढाई अपने आप निकल जाएंगे, पाकिस्तानी तो वैसे ही जुगाड़ हुआ, तो आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा हार्ड टाइम है आपके लिए, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क विल ब्रिंग मिक्स रिजल्ट, मिक्स रिजल्ट लेके आएगा जी, इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। अच्छा मजे की बात है, आपके लिए कोई काम होता भी मुश्किल नहीं, बड़े कूल एंड काम रह के आप जो है ना, नेचर तो बताते हैं आप स्कॉर्पियन वाली है, कूल एंड काम रह के ना आप अपने काम कर जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस जो है खास, अच्छा ई कॉमर्स से जो लोग रिलेटेड है, ऑनलाइन बिजनेस से स्पेशली मैं उनको बता रहा हूँ, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड एक्वेरियस से वाले हैं, दल वाले, आप बड़ी एहतियात करें, थोड़ी सी कामयाबी जो है वो हार्ड नज़र आ रही है, प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले होते जाएंगे, थोड़ा सा अरसा लगेगा इनको इस्टेब्लिश होने में, आपकी ई कॉमर्स की फील्ड इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग, आप वाहिद बुर्ज हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ कि वो ई कॉमर्स की फील्ड में इस दफ़ा ज़रा डिले में जा रहे हैं, वैसे मैं सबको सजेस्ट करता हूँ 2023 उनका, लेकिन आपसे ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी एहतियात करें आप इस मामले में, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आखिर में होना वही है जो मेरे अल्लाह ने चाहना, और मेरे अल्लाह ने आपकी एफर्ट देखनी है, आपका इम्तहान देखना है, जितना बड़ा इम्तहान उतनी बड़ी कुर्बानी होती है, याद रखिएगा, और जितनी बड़ी कुर्बानी आप देंगे ना उतना ही आपका ये इम्तहान जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये आपका और अल्लाह का पर्सनल मामला चल रहा है, और इस मामले में आपकी फतह जो है ना वो आपके अल्लाह से ताल्लुकात पे है, दुनिया में जो भी कर लें जी, जब तक राजी नहीं ना जो भी कर लें, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्वेरियस वाले आप ये कहेंगे कि यार बड़ी जल्दी साड़ी कल मुका देती है, किसी ने इमामदीन से कहा सड़क एक मील को लंबा सा शेर सुनाए, इमामदीन ने कहा सड़क एक मील ना दो मील, सड़क पूरी 100 मील, उसने इमामदीन से कहा सर ये तो ख़त्म हो गया, आपने कहा जी पुत्र सड़क है 100 मील, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई है, तो बात यह है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गए, वो गालिब ने कहा ना गम से हुगर हो इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा हार्ड वर्क नज़र आ रहा है ज़िंदगी के हर शोबे में, नज़र आ रहा है चाहे वो ताल्लुकात का शोबा है, चाहे वो मोहब्बत का शोबा है, चाहे वो काम का शोबा है, तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, हार्ड एंड हार्ड वर्क, वर्क एंड वर्क वाली कहानी, समझ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं आखिरी पाइसिस की तरफ, फर्स्ट फेज ऑफ सारसती शुरू हो रहा है, पहला फेज शुरू हो रहा है जी, मोजा मनाओ स्टार्ट है, आपने साबित करना है कि मुश्किलात से बड़ा मेरा खुदा है, होना वो है जो अल्लाह ने चाहना है, और आपने अपनी मेहनत साबित करनी है, आपने अपना हार्ड वर्क साबित करना है, मुश्किलात में ही पता लगता है इंसान कैसा है, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है ना, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, बिजनेस एक्सपेंसिस इंक्रीज होने का, बिजनेस में डिले होने का बहुत ज़्यादा चांस है, इफ़ यू वांट टू गोइंग अब्रॉड तो आपको पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सेटल होना, अगर चले भी जाते हैं ये मुश्किलात आपके सर पे खड़ी हुई हैं,
थोड़ा अगर डिले हो रहा है ना, बाज़ूकात डिले मुलतवी इल्तवा भी फ़ायदे में होता है, मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। सेविंग मनी नॉट ईजी, आप मनी सेव नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, नॉट एक्सीलेंट पीरियड फॉर स्टूडेंट, के लिए अच्छा पीरियड नहीं है, मेंटल इलनेस और डिप्रेशन जो है ना वो अरूज पे होगा इस वक्त आपके। अभी तो स्टार्ट है जी, अभी तो इश्क के इम्तहान और भी हैं, ठीक है ना। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपने आप को कंपोज करना है, चाहे वो पाइसिस ख़वातीन हैं, चाहे वो पाइसिस मर्द हैं, चाहे वो मून है, चाहे वो असेंडेंट है, चाहे वो सन है, क्योंकि जब ये ढाइया लगता है ना, जब ये सारस्वती आती है ना, ये हर किस्म के आपकी चीज़ों को अफेक्ट करती है। चाहे आप कहें जी मैं मून साइन हूँ, चाहे आप कहें मैं सन साइन हूँ, चाहे आप कहें मैं राइजिंग हूँ, चाहे आप कहें मैं असेंडेंट हूँ, जो भी आप कह रहे हैं, जोल साहब ने एक दफ़ा आपको ऐसे ऐसे करके ना लाना है, करके नहीं जिस तरह लाते, और उसके बाद आप कहते हैं हाँ ठीक है, ये झटका ठीक था, ये झटका आपको लगने वाला है, और आपने कहना है कि ये झटका मेरी कामयाबी के लिए ज़रूरी था। मैं सोता हुआ ऐसा कंफर्ट जोन में था, अर्जाई ऊपर ली हुई थी, आराम कर रहा था, तो मुझे आकर जगाया गया। तो ये आपके लिए वेकअप कॉल है, इस वेकअप कॉल को लीजिए, सुबह 4 बजे उठिए। दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की, अमीर लोगों ने, वो 4 बजे उठते हैं, आप भी 4 बजे उठें, अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। सर्दियों के टाइम है, 4 से 6 बजे तक बड़ा टाइम होता है, अभी तो 6:30 बजे तक सूरज नहीं निकल रहा होता। अपने रब को टाइम दें, राज़िक को टाइम दें, रिस्क आएगा, ये मेरी बात याद रखें। सुबह उठ के फटाफट नहाते हैं कि जी मीटिंग के लिए जाना है, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, जी 8 बजे का अगले ने टाइम दिया, मैं लेट ना हूँ तो रब से तो तुसी देर सवेर कभी देखी नहीं। नमाज माँ बुलाती है, अजान होती है, मस्जिद आप जाते नहीं सुबह सुबह फजर की, और बिल्कुल जब सूरज निकलने वाला होता है 5 मिनट होते हैं खड़े होकर मसले पर, रब तो मैं राज़ी किया जी, मैं साबित किया, मैं भाई कमजोर नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। सुबह उठे, अपना बिस्तर ठीक करें, अपने बिस्तर ठीक करने से अपने दिन का आगाज़ करें इंशाल्लाह। सुबह उठें, मोहम्मद वाले मोहम्मद को सलाम भेजें, फिर देखें सारा दिन कैसा गुजरता है। कुछ अपनी आदत को चेंज करें, दुनिया आपकी तब्दील हो जाएगी। दुनिया की तब्दीली का आगाज़ अपने बेड की चादर की तब्दीली से करें, फिर देखें क्या क्या नहीं होता। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, इस वक्त सिर्फ हार्ड वर्क खड़ा हुआ है आपके आगे, आपकी एफर्ट के आगे सब कुछ आपने खुद करना है। मैं इसमें आपको क्या बताऊँ, हर चीज़ में डिले है, हर काम में आपका हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। शुक्रिया।